अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एप्पल डेजर्ट। यह हम दो सेब ले लेंगे, इसको हमने पहले धो लिया था, धो के पोंछ लिया, और हम इसे काट लेंगे। बीज निकाल कर छोटे छोटे पीसेस करेंगे, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं करना है, क्योंकि इसको हम दूध के साथ ग्राइंड करना है हमें, इसलिए हम इसे इसके छोटे पीसेस करेंगे। ये देखिए, हमने बीज सारे इस तरह से पीसेस के बीज निकाल देंगे, और अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से कर लिया हमने। अब हम इसे ग्राइंडर में डालकर, ये 2 कप कप से दूध है, 1/2 लीटर, और अब हम इसको छान लेंगे, और स्पैचुला की मदद से हम इसका पल पलक कर लेंगे। दूध पहले से बॉयल था, उसको ही हमने यूज़ किया है। ये देखिए, ये अलग हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप शक्कर मिलाएंगे, जो 200 ग्राम है, और 60 ग्राम कॉर्नफ्लोर, और 40 ग्राम इसमें हम कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे और मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो फ्लेम पे दूध बॉईल करते वक्त भी ये सब मिला सकते हैं, पानी या दूध में घोल कर। हमने पहले मिला दिया है क्योंकि दूध पका हुआ था, और इसको चला लेंगे अच्छे से। फ्लेम ऑन करके हमने इसको मीडियम स्लो पे चढ़ा दिया है, और इसको लगातार चलाते रहेंगे, जिसमें लम्स ना पड़े, गाँठें ना पड़े। ये देखिए, और इसकी थिकनेस अभी हम चेक करते जाएंगे। चलाना इसको लगातार है। 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल देंगे, ये देखिए इतनी थिकनेस रहेगी इसकी। आप चाहें तो और पका सकते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, और 20 मिनट के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा सेट हो जाए। और ये वॉलनट और बादाम हम इनको काट लेंगे, फाइन चॉप करेंगे। ये देखिए, आलमंड और वॉलनट्स दोनों हमने फाइन चॉप कर लिया, और एक सेब को हमने छिलका निकाल कर इसके भी हम डाइस में पीसेस कर लेंगे। ये देखिए, इसके हमने पीसेस कर लिया है, क्योंकि इसे हमें कैरमलाइज करना है। अब फ्लेम ऑन करके हम ये अपने एप्पल डाल देंगे, और 1 टीस्पून इसमें हम बटर और 1 टीस्पून शक्कर दोनों डालेंगे, और इसको चलाएंगे कैरमलाइज होने तक। और 2 चुटकी इसमें हम दालचीनी डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब ये वॉलनट को और आलमंड्स को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब 20 मिनट बाद हमने इस पर ये कैरमलाइज एप्पल डाल दिया है, और ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे ऊपर गार्निश के लिए, और इसको हम रख देंगे सेट होने को। जब तक ये सेट नहीं हो जाता, आधा घंटा 1 घंटा,
जितनी देर में ये सेट हो जाए इसको निकाल कर चॉकलेट सिरप से हम गार्निश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।